हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सो अब तक हमने देखा कि युहा सूजन को मिंसू के पास जाने को कहती है, क्योंकि उसे रियलाइज हो गया है कि सूजन ही मिंसू को दिलासा दे सकती है। और फिर सूजन भागकर मिंसू के पास आकर उसे हग करके उसे अपनी सारी फीलिंग्स बता देती है। डैड शॉप पर बैठे ग्रैंडपा के लिए रिहैबिलिटेशन मेडिसिन के बारे में पता कर रहे थे, तभी वहाँ प्रेसिडेंट आते हैं। एक्चुअली मिंसू के डैड ही ड्राइवर चोई है। प्रेसिडेंट डैड से कहते हैं कि 10 साल हो गए और तुम भी काफी बूढ़े हो गए हो। डैड कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की। प्रेसिडेंट डैड को बताते हैं कि मुझे ऑलरेडी पता है कि प्रेसिडेंट जंगसो के साथ क्या हुआ था और तुमने उनके दोनों बेटों को अडॉप्ट करके बड़ा किया। डैड कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अपने गंदे मुँह से उसका नाम लेने की, तुम्हें कोई हक नहीं। प्रेसिडेंट कहते हैं कि अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करता। डैड गुस्से में कहते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों एक्सेप्ट करता और प्लीज तुम यहाँ से जाओ। ग्रैंडपा भी डैड की नकल करने लगते हैं। डैड ग्रैंडपा को रोकते हैं और प्रेसिडेंट को यहाँ से जाने को बोलते हैं। मिंसू खुशी खुशी ऑफिस वापस आता है और वो सबके लिए गिफ्ट्स भी लाया था। देन सूजंग भी ऑफिस आ जाती है। मिंसू ऑफिस की विंडो से सूजंग को किसी सेंड कर रहा था और सूजंग भी उसके लिए हर्ट बनाती है। नेक्स्ट सीन में सूजंग मिंसू को सारी मीटिंग्स के बारे में बता रही थी और मिंसू छोटे बच्चों की तरह बैठा सिर्फ सूजंग को घूर रहा था और फिर वो सूजन को किसी देता है। सूजन उससे कहती है कि जब तक तुम ग्रेजुएट नहीं हो जाते तब तक हमारे बीच एक लाइन रहेगी, मतलब नो किसेस नो फिजिकल कॉन्टेक्ट। तो मिंसू का ड्रामा बस शुरू हो जाता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, क्या तुम्हें मुझे टॉर्चर होता देख खुशी मिलती है और क्या मैं तुम्हें किस भी नहीं कर सकता। तो सूजन तुरंत अपने लिप्स छुपा लेती है। मिंसू कहता है कि आजकल के सारे बच्चे ऐसा करते हैं तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों। सूजन कहती है कि बाकी कर सकते हैं बट तुम नहीं। तभी टीम लीडर अंदर आकर मिंसू को फेक बोलते हैं पर सूजन को देखकर वो फिर से बात पलट लेते हैं। मिंसू को ने बताता है कि सूजन को सब पता है। सूजन कहती है कि प्लीज आप फिक्र मत करो, मैं ये बात सीक्रेट ही रखूंगी। टीम लीडर कहते हैं कि ये बात तो मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो। तो सूजन ऐसे ही कहती है कि टीम लीडर आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। देन टीम लीडर मिंसू पर बहुत ही प्यार से गुस्सा करते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम अपने शोल्डर को हर्ट कैसे कर सकते हो। मुझे ये बात सुनकर बहुत ही दुख हुआ पर तुम फिक्र मत करना, मेरे ब्रदर इन लॉ का स्पोर्ट्स क्लब है और मैंने उससे ऑलरेडी तुम्हारे बारे में बात कर ली है, तो तुम ग्रेजुएशन के बाद वहाँ कोच बनकर ज्वाइन कर सकते हो। पर पता नहीं इस समय तुम कितने हर्ट हो गए मिंसू। मिंसू कहता है कि अंकल आप बहुत ही लॉयल हो, मेरा तो दिल ही भर आया। और देन ये लड़का टीम लीडर को ही किसिस करने लगता है। टीम लीडर कहते हैं कि तुम मेरे पे डिपेंड रह सकते हो। डायरेक्टर हान भी फेक फेक चलाते वहां जाते हैं पर सूजन को देखकर वो भी शॉक में थे। पर नेक्स्ट सीन में डायरेक्टर हान को भी पता चल जाता है कि सूजंग सब जानती है और फिर ये चारों एक साथ मिलकर चीयर्स करते हैं। घर आकर सूजंग देखती है कि युहा बहुत ही उदास है और उसने खाना भी नहीं खाया। नेक्स्ट सीन में युहा और सूजंग बाहर खाना खाने आती है। युहा कहती है कि मैं ठीक हूँ और मैंने ही हमेशा से मिंसू को फॉलो किया था, उसके मन में तो मेरे लिए कभी कोई फीलिंग्स थी ही नहीं, कितनी पागल थी ना मैं, आई थिंक मुझे बस उसके जैसा ही कोई चाहिए। और सूजंग क्या तुम्हें वो लड़का याद है जिसे तुम हाई स्कूल में लाइक करती थी। सूजंग कहती है कि नहीं मुझे नहीं याद। युवा कहती है कि बस ऐसा ही है, मैं भी मिंसू को भूल जाऊंगी और दुनिया में और भी बहुत से लड़के हैं जो मिंसू से अच्छे होंगे। सूजन युवा को उसे पंच करने को बोलती है। युवा अपना हाथ उठाती है पर सूजन इतने में ही डर जाती है। युवा कहती है कि बस तू मेरी पॉकेट मनी बढ़ा देना। देन सूजन उसे हक करके आई लव यू बोलती है। नेक्स्ट डे टीम लीडर मिंसू पर चिल्ला रहे थे कि तुमने मुझे अपने एग्जाम के बारे में पहले क्यों नहीं बताया और फिर अगेन इनकी बहस शुरू हो जाती है। सूजन कहती है कि मीटिंग 8 बजे और एग्जाम 9:30 बजे, तो हम जल्दी मीटिंग खत्म कर देते हैं और ऐसे दोनों ही काम हो जाएंगे, तो मिंसू तुम बस मीटिंग अटेंड करना, मैं बाकी सब संभाल लूंगी। सूजन मिंसू की यूनिफॉर्म लेने जाती है और मिंसू मीटिंग एंड होते ही वहां से भाग जाता है। तो मिंसू एलिवेटर में जल्दी से अपने कपड़े चेंज करता है। सूजन उसे उसका पेंसिल बॉक्स देती है और उसे कहती है कि अगर कोई आंसर पता ना हो तो बस थर्ड ऑप्शन पर टिक कर देना, ज्यादा उछलना कूदना मत और 5 बजे से पहले वापस आ जाना। सो मिंसू क्लास में एंटर करता है और वहाँ एज यूजुअल ताइसुक और हवान उसकी डमी को मारे थे और फिर वो जल्दी से डमी को फेंकते हैं और मिंसू अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है। हवान और ताइसुक मिंसू और सूजन के पैचअप से बहुत ही ज्यादा खुश थे और वो उसे कहते हैं एक ऐसा वर्ड जिसका रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है और ये वर्ड है पार्टी। और देन ये दोनों मिंसू को बहुत ही ज्यादा तंग करते हैं। तो युवा आकर उनसे पूछते हैं कि तुम मिंसू को क्यों मारे हो। हवान कहता है कि वो बस इसकी शर्ट पर कुछ लगा हुआ था तो हम उसे साफ कर रहे थे। तो युहा मिंसुक से उसका हालचाल पूछती है। मिंसुक उससे कुछ कहने वाला था पर युहा ताइसुक से बात करने लगती है कि मैंने काफी सोचा
और फिर मैंने डिसाइड किया कि हमें डेट करना चाहिए और देन मैं चलती हूँ। ताइसुक हवान को मानने लगता है कि तुमने ये क्या किया। देन वो युहा के पीछे जाता है उसे बताने की ऐसा कुछ नहीं है। हवान मिनसुक से कहता है कि ये तो मिनसुक अभी से ताइसुक अभी हो गया और इस बात पर हवान को मिनसुक से भी चांटा पड़ता है। ऑफिस में मिनसुक सूरज को बताता है कि मेरा एग्जाम बहुत ही अच्छा गया तो क्या मैं इस खुशी में तुम्हें किस कर सकता हूँ, पर सूरज मना कर देती है और फिर जिनवो एलिवेटर में एंटर होता है। मिनसुक जबरदस्ती सूरज का हाथ पकड़ लेता है पर जिनवो मिनसुक को इग्नोर करता है और सिर्फ सूरज से बात करता है। मिनसुक जिनवो को अपने काम से काम रखने को बोलता है पर जिनवो कहता है कि वह चाहकर भी सूरज की केयर करना नहीं छोड़ सकता। जिनवो सूरज से कहता है कि सी यू अगेन, पर मिनसुक का रिप्लाई था डोंट सी हर अगेन। सूरज और मिनसुक एक कन्वीनियंस स्टोर पर आते हैं और सूरज मिनसुक का नंबर सुपर पीटी हाई स्कूल रखकर सेव कर लेती है और फिर मिनसुक भी सूरज का नंबर पॉपकॉर्न ग्रेड ग्रैनी रखकर सेव कर लेता है। सरप्राइजिंगली वहाँ ग्रैंडपा भी आ जाते हैं। घर पर ग्रैंडपा सूरज को अपने हाथ से खाना खिलाते हैं और वो उसे प्रीटी लेडी ही बोली जा रहे थे तो मिनसुक को जेलसी होने लगती है और वो कहता है कि सूरज बिल्कुल भी प्रीटी नहीं है। तो ग्रैंडपा मिनसुक को मारते हैं कि तुम अगली हो, पर मिनसुक सूरज से कहता है कि वो मेरे ग्रैंडपा की आई साइड थोड़ी खराब है, पर सूरज उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। ग्रैंडपा सूरज का चश्मा उल्टा कर देते हैं और उसे कहते हैं कि ये सही तरीका है चश्मा पहनने का। ग्रैंडपा को नींद आ रही थी तो मिनसुक उन्हें रूम में छोड़ने जाता है और सूरज मिनसुक के रूम में चली जाती है। मिनसुक जल्दी से अपना सारा सामान उठाता है। सूरज अपने मोस्ट प्लांट को देखकर बहुत ही खुश होती है एंड देन दोनों प्लांट को प्यार करने लगते हैं, पर इनके हाथ टच हो जाते हैं। मिनसुक से तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था और वो कोल्ड ड्रिंक का बहाना देकर वहां से बाहर आ जाता है। सूरज को रूम में एक एल्बम मिलती है जिसमें मिनसुक की बचपन की फोटोज थी और वो मिनसुक से पूछती है कि तुमने बचपन में ही आइस हॉकी खेलना स्टार्ट कर दिया था तो क्या कोई तरीका नहीं है जिससे तुम दोबारा हॉकी खेल सको। मिनसुक कहता है कि ऐसे बहुत सारे एथलीट्स हैं जिन्हें अपनी इंजरी की वजह से गिव अप करना पड़ा और अगर मुझे पता होता कि इन फ्यूचर ऐसा होना है तो मैं कभी मेहनत ही नहीं करता। देन सूरज मिनसुक की नेक्ड बेबी फोटोज देखती है और मिनसुक उसे छुपा लेता है। सूरज कहती है कि ये बहुत क्यूट है, तुम्हारे पास तो दो फोटोज है ना, तो एक मुझे दे दो। मिनसुक कहता है कि तुम्हें मेरी नेक्ड फोटोज क्यों चाहिए, और इसी छीना झपटी में सूरज मिनसुक के ऊपर गिर जाती है पर वो जल्दी से वापस खड़ी हो जाती है। तो अब मिनसुक विक्टिम कार्ड प्ले करने लगता है कि तुमने मेरी इज्जत पर हाथ डाला, ग्रैंडपा दूसरे कमरे में सो रहे हैं और तुमने इस बात का फायदा उठाया। पहले तुम्हें मेरी नेक्ड पिक्चर चाहिए थी और अब तुमने मुझे सीधा बेड पर ही गिरा दिया। ऐसे ही मिनसुक ड्रामे करता हुआ रूम से बाहर चला जाता है। देन मिनसुक सूरज को घर छोड़ने जाता है। सूरज कहती है कि मैं तो मोस्ट प्लान लेना भूल ही गई। मिनसुक कहता है कि कोई ना, तुम बाद में ले लेना, वैसे भी हम हर रोज मिलते हैं। सूरज मिनसुक से पूछती है कि क्या तुम मेरे ट्रेनर बनोगे, क्योंकि वो क्या है ना कि आजकल मेरी बॉडी में काफी दर्द रहता है। मिनसुक कहता है कि अभी तो मुझे वर्कआउट से छुट्टी मिली है। सूरज कहती है कि चलो फिर कोई ना, मैं कोई पर्सनल ट्रेनर को हायर कर लूंगी जिसके बहुत ही बड़े मसल्स होंगे, तो इसी बहाने मैं उसके पास भी जा सकूंगी। मिनसुक को जेलसी हो रही थी तो फिर वो सूरज का ट्रेनर बनने को रेडी हो जाता है। देन वो सूरज को अम्ब्रेला देकर बाय बोलकर वहां से भाग जाता है। मिनसुक वापस घर आकर अपने रूम से हॉकी का सारा सामान पोस्टर्स वगैरह हटा देता है और फिर उस बॉक्स को बाहर रख देता है, पर थोड़ी देर बाद वो वापस आकर बॉक्स को फिर अंदर ले जाता है। सूरज रात को शोल्डर इंजरीज कैसे रिकवर की जाती है इस पर रिसर्च करी थी, तो शायद सूरज का प्लान खुद एक्सरसाइज करने का नहीं था पर वो इनडायरेक्टली मिनसुक की हेल्प करना चाहती थी। नेक्स्ट मॉर्निंग सूरज पूरी एनर्जी के साथ मिनसुक से मिलती है। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले सूरज मिनसुक को नेशनल स्ट्रेची वार्म अप करने को बोलती है। सूरज की हरकतें देखकर मिनसुक अपना मुंह छुपा लेता है और देन मिनसुक बहुत ही जबरदस्ती एक्सरसाइज करता है। एक्सरसाइज करते सूरज की स्किन एक्सपोज हो रही थी तो मिनसुक उसकी जैकेट पकड़ लेता है, पर सूरज तो पूरे जोश में थी और फिर वो मिनसुक से कहती है कि नो फिजिकल टच। मिनसुक कहता है कि वो देखो वो क्या है, और फिर वो सूरज को मुक्का दिखाता है तो अचानक सूरज का ध्यान एक आदमी पर जाता है जो हाई बार पर रोल कर रहा था। सूरज मिनसुक को अपने पास्ट ट्रॉमा के बारे में बताती है कि जब मैं छोटी थी तो रोल करती हुई मुंह के बल गिरी थी। मिनसुक उससे कहता है कि अच्छा इसीलिए तुम ऐसी हो, क्या तुम्हारे सर पर चोट लगी थी। सूरज दोबारा एक्सरसाइज करने के लिए खड़ी हो जाती है बट मिनसुक उससे पूछता है कि मैं तुम्हारे साथ ये सब क्यों कर रहा हूँ। सूरज गलती से शोल्डर इंजरी बोल देती है और मिनसुक उसे घूरने लगता है, पर सूरज जल्दी से बात बदल देती है। दूसरी तरफ डैड ग्रैंडपा को वॉशिंग मशीन से बाहर निकाल रहे थे और वहाँ कोई आदमी एक फ्रूट बास्केट लेकर आता है पर बिना कुछ कहे वहाँ से चला भी जाता है, और ये बास्केट प्रेसिडेंट ने ही भेजी थी। सारी मैनेजमेंट की प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग चल रही थी और मिनसुक डायरेक्टर हान के मुंह में उंगली घुसा देता है और फिर हंसने लगता है। इस प्रोजेक्ट में कॉम्फो कंपनी के पास
एक इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल ब्रांड बनाने का मौका है जो सारे एशिया को रिप्रेजेंट करेगा। पर जिनवो प्रेसिडेंट से कहता है कि हमारी कंपनी के पास अभी इतने फंड्स नहीं है। प्रेसिडेंट को जिनवो की बात बिल्कुल भी अच्छी लगी क्योंकि वो इतना बड़ा मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहते। नेक्स्ट सीन में डैड प्रेसिडेंट के ऑफिस आकर उन्हें बास्केट वापस लौटाते हैं और प्रेसिडेंट का दिया एनवेलप भी फाड़ देते हैं। डैड उनसे कहते हैं कि हाँ मुझे पैसों की जरूरत है, मेरे फादर बीमार हैं और मेरे दो बच्चे भी हैं, पर मुझे तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है और तुम हमारी जिंदगी से दूर रहो। जिनवो डायरेक्टर नाम डैड को वहाँ देख लेते हैं और जिनवो प्रेसिडेंट से इसके बारे में पूछता है, पर प्रेसिडेंट उसे बाद में आने को बोलते हैं। डायरेक्टर नाम जिनवो को बताते हैं कि ये ड्राइवर चोई है जो प्रेसिडेंट जंगसू के ड्राइवर थे। प्रेसिडेंट जंगसू और जिनवो के फादर प्रेसिडेंट यू दोनों बिजनेस पार्टनर्स थे, पर प्रेसिडेंट यू के कारण जंगसू को काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी तो जंगसू ने सुसाइड कर लिया। शॉक के कारण जंगसू की वाइफ की भी डेथ हो गई थी और फिर ड्राइवर चोई ने उनके दोनों बेटों को अडॉप्ट कर लिया। जिनवो जंगसू के बारे में और भी इन्फो निकालता है। युहा जिनवो को मैसेज करके आज रात 8 बजे मिलने बुलाती है। बस से उतरकर मिनसुक सुजंग को डिनर के लिए पूछता है, पर सुजंग उसे 30 मिनट में पार्क में पहुंचने को बोलती है। पार्क में सुजंग जंगल जिम से बैंड बांध रही थी और फिर मिनसुक भी वहां आ जाता है। दोनों पहले रनिंग करते पर सुजंग बहुत ही ज्यादा थक गई थी तो मिनसुक उसे रुकने को बोलता है, बट फिर सुजंग बैंड से एक्सरसाइज करती हुई गिर जाती है। मिनसुक उसे ये सब बंद करने को बोलता है पर वो मिनसुक को भी बैंड पुल करने को बोलती है तो मिनसुक चिल्लाता है कि अब ये सब बंद करो, मुझे पता है कि तुम ये सब मेरे लिए कर रही हो पर अब ये इम्पॉसिबल है। सुजंग फिर भी उसे पॉजिटिव सोचने को बोलती है तो मिनसुक गुस्से में कहता है कि जब मेरे पेरेंट्स मर गए और जब मेरा भाई मुझे छोड़कर चला गया तब मुझे रियलाइज हुआ था कि होप सिर्फ दर्द को और बढ़ाती है, इसीलिए मैं इम्पॉसिबल चीजों के लिए होप नहीं रखता, तो प्लीज ये सब बंद करो। ये कहकर मिनसुक वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जिनवो युहा से मिलने आता है और युहा उसे उसके पैसे वापस करती है जो लास्ट टाइम उसने जिनवो से बोरो किए थे, पर जिनवो को कुछ भी याद नहीं था क्योंकि उस टाइम वो होश में नहीं था। जिनवो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। युवा उसे काफी इंसिस्ट करती है कि मैं हिसाब की पक्की हूँ, पर जिनवो फिर भी उसे मना ही करी जा रहा था। बाहर हमान और ताइसो विंडो पर खड़े चिल्ला रहे थे कि हमें भूख लगी है और उन्हें वहाँ युवा दिख जाती है। जिनवो की तो उन्हें पहचान ही थी तो ताइसो अंदर जाकर जिनवो को कॉलर से पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि तुम कौन होते हो युवा को पैसे देने वाले। ताइसो युवा से भी कहता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत दुखी हो पर तुम ऐसा काम कैसे कर सकती हो। इस बात पर युहा हवान और ताइसुक दोनों को मारती है और उन्हें जिनवो के बारे में बताती है। हवान जल्दी से जिनवो का सूट सेट करता है और उसे कहता है कि मैं ताइसुक की तरफ से आपसे सॉरी मांगता हूँ, ये बच्चा ना बस थोड़ा बीमार है। पर जिनवो अभी भी स्माइल कर रहा था। कार में भी जिनवो को युहा का सॉरी वाला मैसेज आता है। देन जिनवो को डैड और मिनसुक एक साथ दिखते हैं। घर आकर जिनवो मिनसुक की बातें और ड्राइवर चोई के बारे में सोच रहा था। जिनवो को अपने फ्रेंड का फैक्स आता है जिसमें मिनसुक की सारी फैमिली इन्फो थी और ये भी लिखा था कि लीसोक और मिनसुक दोनों रियल भाई हैं। फाइनली मिनसुक अपने हॉकी सामान वाले बॉक्स को गुड बाय बोलता है और फिर सुजंग को कॉल करता है जो फोन नहीं उठाती, शायद सुजंग अभी भी गुस्सा है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिनसुक सुजंग के पीछे पीछे जाता है और उसे लंच के लिए इनवाइट करता है, बट सुजंग कहती है कि मेरे ऑलरेडी प्लान्स हैं। जिनवो जाकर प्रेसिडेंट को बता देता है कि लीसोक जंगसू का ही बेटा है और शायद इस कंपनी को ज्वाइन करने के पीछे ली सियो का कोई और पर्पस है, शायद वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। प्रेसिडेंट उसे कहते हैं कि तुम अपने काम पर वापस जाओ, ये सब मैं हैंडल कर लूंगा। मिनसुक अपने कैबिन में बैठा सुजंग को मैसेज करके पूछ रहा था कि क्या तुम गुस्सा हो। सुजंग कहती है कि नहीं, तो तभी मिनसुक को प्रेसिडेंट की कॉल आती है जो उसे लंच पर इन्वाइट करते। लंच पर प्रेसिडेंट मिनसुक को ही देख ही जा रहे थे। देन वो इनडायरेक्टली मिनसुक की फैमिली के बारे में पूछते हैं। मिनसुक उन्हें बताता है कि मैं और मेरे डैड बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह है और वो मेरे रियल डैड नहीं है। मैं बहुत ही छोटा था जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई, डैड का एक्सीडेंट हो गया और मॉम शॉक की वजह से मर गई। प्रेसिडेंट मिनसुक से उसके रियल फादर के बारे में और भी बहुत कुछ पूछते हैं तो मिनसुक उन्हें सब सच बताता है। प्रेसिडेंट को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें कोई सदमा लगा हो। ऑफिस में मिनसुक को पता चलता है कि सुजंग घर चली गई है। नेक्स्ट सीन में मिनसुक मुंह लटकाकर अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था। हवान उससे कहता है कि ऐसी कौन सी वुमेन है जो ये मान ले कि वो गुस्सा है, तो जब एक वुमेन गुस्सा हो तो स्किनशिप ही सही तरीका है उसे मनाने का। मिनसुक को हवान की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था तो वो हवान के मुंह में खाना थूस कर उसे चुप करा देता है। घर पर मिनसुक को सुजंग की कॉल आती है जो उसे पार्क में बुलाती है। मिनसुक जल्दी से पार्क जाता है और उसे सॉरी बोलता है, पर सुजंग उसे हाई बार पर रोल करके दिखाती है क्योंकि उसे मिनसुक को समझाना था कि इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल किया जा सकता है, तो इसके लिए सुजंग ने बहुत ही मेहनत की है, इसीलिए सुजंग
मिंसू का फोन ही उठाती थी। लंच के लिए भी उसने मना कर दिया था और फिर जल्दी से घर भी चली गई। मिंसू को सूजन के हाथ पर चोट के निशान दिखते हैं, पर सूजन उसे फिर से रोल करके दिखाती है और मिंसू उसे पोल पर ही पकड़ लेता है। सूजन लिफ्ट होकर उसे ऐसा करने से मना करती है, बट मिंसू उसे दोबारा नीचे करके किस कर लेता है। तो अब इन दोनों के बीच सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है और बारिश से बचने के लिए दोनों एक छत के नीचे आते हैं। मिंसू सूजन के एफर्ट्स की तारीफ करता है और फिर से उसे किस कर लेता है, बट सूजन उस पर गुस्सा करती है। मिंसू उसे कहता है कि पहले तो तुमने मुझे किस करने दिया था, तो अब क्या हुआ। सूजन कहती है कि वो एक्सेप्शन केस था। इस बात पर दोनों बहस करने लगते हैं और सूजन उसे बार बार मना करती है। घर आकर मिंसू अपना सारा हॉकी वाला सामान दोबारा अपने रूम में लगा लेता है। नेक्स्ट डे मिंसू कोर्ट से आकर कहता है कि मैं हॉकी खेलना दोबारा से शुरू करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे खेलने की परमिशन दीजिए, तो मैं वो सब करूंगा जो मैं कर सकता हूँ, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं गिव अप कर दूंगा। कोच उसे टीम में वापस ले लेते हैं और सारे प्लेयर्स बहुत ही खुश होते हैं, सब बस चिल्लाए ही जा रहे थे। मिंसू का सीनियर आकर उसे कहता है कि तुम अब क्राई बेबी बनने की कोशिश भी मत करना और मेरी नजर हमेशा तुम पर ही रहेगी। तो सारी टीम फिर से पागल हो जाती है। सूजंग मिंसू को शॉप पर लेकर आती है क्योंकि वो मिंसू के लिए एक हॉकी बैग खरीदना चाहती है। मिंसू वहाँ से जाने लगता है कि मेरे पास ऑलरेडी है, मुझे नहीं चाहिए, पर सूजंग उसे रोक लेती है। काउंटर वाली लेडी मिंसू को सूजंग का नेफ्यू समझ लेती है, तो सूजंग उसे बताती है कि मैं इसकी आंट नहीं हूँ। काउंटर वाली लेडी कहती है कि अच्छा फिर तुम इसकी नूना हो। इस बात पर सूजंग गुस्सा हो जाती है और मिंसू उसे नूना और आंटी बुलाता है। सूजन भी उसे ओपा कह देती है। मिंसू काउंटर वाली लेडी को बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। काउंटर वाली लेडी बहुत ही खुश और शॉक थी, तो मिंसू सूजन को तंग करने लगता है। नेक्स्ट डे जिनगो के फ्रेंड का छोटा भाई उसे मिलने आता है जो अभी बिजनेस ट्रिप से वापस लौटा है। ये लड़का ली सोक को जानता है और वो ली सोक से मिलना चाहता था। इसने ली सोक के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम किया था, तो दोनों काफी क्लोज है। जिनगो उसे मिंसू से मिलवाने ले जाता है, पर मिंसू को तो पता ही नहीं कि ये कौन है क्योंकि वो ली सोक नहीं है, तो मिंसू इस लड़के को नहीं पहचानता। तो ये लड़का जिनगो से पूछता है कि इसने मुझे पहचाना क्यों नहीं। नेक्स्ट सीन में मिंसू स्कूल की यूनिफॉर्म में एलिवेटर में एंटर करता है और फिर एलिवेटर का दरवाजा खुलता है और सामने जिनगो खड़ा था। मिंसू के चेहरे का रंग ही उड़ गया और जिनगो उसे कहता है कि मैं सोच रहा था कि तुम क्या छुपा रहे हो, और शायद तुम यही छुपा रहे थे, डायरेक्टर ली सोक, मेरा मतलब हाई स्कूल बॉय मिंसू। सो लगता है कि मिंसू का भांडा फूट गया और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इसके बाद की स्टोरी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन।